वृंदावन व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर से मुलाकात कर वहां के एक होटल से आश्रम संचालक के रुपए चोरी होने के प्रकरण में होटल स्वामी को झूठा फंसाए जाने की शिकायत की। ये जो बसेरा ग्रुप का जो एक झूठा आरोप लगाया, एक ऐसा भागवताचार्य जो व्यक्ति और फर्जी फोन करवाकर इस तरह का एक एलिगेशन एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर, संगठन ने इसकी बड़ी गंभीरता से लिया और उच्च अधिकारियों से यहाँ से लेकर लखनऊ तक बात की और जब इसमें पुलिस जांच पे जुटी तो इसमें पूर्ण रूपेण बसेरा ग्रुप के किसी भी प्रकार किसी भी व्यक्ति पर, होटल के किसी भी प्रबंधन पर कहीं भी कोई एलिगेशन नहीं निकला और अतिशीर्ध अधिकारियों से अभी वार्तालाप हुई, उन्होंने बोला अतिशीर्ध इसका वर्कआउट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विगत दिनों चित्रकूट क्षेत्र के एक आश्रम संचालक निमंत्रण पत्र वितरित करने के लिए वृंदावन आए थे। इस दौरान वे बसेरा होटल में रुके थे। रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह आश्रम संचालक ने होटल के कमरे से उनके बैग में रखे करीब 3 लाख रुपए चोरी होने की शिकायत की। इस मामले में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद वृंदावन पुलिस हरकत में आई और मामले की जानकारी में जुट गई। एसएसपी कार्यालय पहुंचे व्यापारियों ने इस प्रकरण को निराधार बताते हुए होटल स्वामी को झूठा फंसाए जाने की बात कही। आज हम लोग पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिले हैं। प्रकरण ये था कि एक झूठा आरोप वृंदावन में होटल बसेरा वालों के खिलाफ एक व्यक्ति ने, जो धर्म से और धार्मिक संस्था से संबंध रखते थे, उन्होंने लगाया था कि साहब 3 लाख रुपए होटल में से गायब हो गए। उस संबंध में हम न्याय के लिए उच्च अधिकारियों से मिले हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और जांच के बाद पाया गया है कि होटल मैनेजमेंट का और उसमें कोई भी दोष नहीं है और घंटे दो घंटे बाद ये सारा प्रकरण वर्कआउट हो चुका है और सबके सामने आ जाएगा और निश्चित रूप से होटल मालिक या होटल प्रबंध तंत्र इसमें कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का दोषी नहीं है, ये आश्वासन हमको मिल चुका है और लगभग जांच पूरी हो चुकी है। घंटे दो घंटे बाद ये सारा प्रकरण जनता के सामने और मीडिया के सामने आ जाएगा, ऐसा आश्वासन हमको मिला।